अच्छा, तो ये शूट लफज आपको किसने सिखा दिए? भाईजान आप भी तोतले हैं, आप बात नहीं कर रहे? नहीं। कर लें बात, मैंने कौन सा आपकी जुबान पे पाँव रखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल रहमान आपका होस्ट मानी। तो आज हम नाजरीन बोटैनिकल पार्क आए हुए हैं प्रैंक के मूड में, मैं और मेरी टीम है साथ, तोहीद राजा और असद खान हमारे साथ हैं। तो नाजरीन आए, आज हम लोगों से एक प्रैंक टाइप इंटरव्यू करते हैं, तो देखें आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। तो चले आए मेरे साथ, देखते हैं। नाजरीन एक आदमी बैठा हुआ है, चले इससे हम अपना पहला इंटरव्यू शुरू करते हैं। मेरे कैमरा मैन मेरे साथ साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इधर बैठ सकता हूँ? जी भाई इधर आओ। शुक्रिया सर, वैसे आप ना भी कहते तो मैं बैठ ही सकता था, पार्क आपने खरीदा तो नहीं ना हुआ? सर आप कर लें बात, मैंने कौन सा आपकी जुबान पे पाँव रखा हुआ है? सर आप कर सकते हैं, ऐसे ना करें। एक मिनट जरा कॉल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा सर आप अपनी कॉल काट लें दो मिनट के लिए, आप इतने वैसे मसरूफ आदमी लग तो नहीं रहे शक्ल से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो भी बात है माइक में करनी है, माइक से बाहर करेंगे तो खोता करोला आपकी नहीं हो सकती। तारक अजीज के शो में आप गए हैं कभी? आप वैसे आपको इजाज़त तो नहीं देंगे वो तारक अजीज के शो में जाने की? तो मैं चले जाऊंगा फिर भी। भाई जान मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैंने आपके ना दूर से बाल देखे हैं। अच्छा। तो यार आप अच्छे भले पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यार ये क्या चीज़ है, ये क्या है? मतलब कि आप यार ये क्या है यार, पढ़े लिखे नहीं आप लग रहे? क्या क्या मसला हुआ है, क्या है बालों को? यार आपका हकीम की फकी जैसा मुँह लग रहा है यार, ये कैसे है मुझे बताएं सर। आप भी? अच्छा एक मिनट, आप अपना नाम तो बताएं सर। मेरा नाम नबील। जी सर कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा भगवानपुरा से। अच्छा भगवानपुरा लाहौर से, यानी कि आप लाहौर के शहरी हैं, तो लाहौर के तो लोग अच्छे भले लगते हैं यार आपको। क्या आप नशा करते हैं कोई? नहीं नहीं, नशा अल्लाह माफ़ी दे, नशा क्यों करना मैंने? नहीं जो करते हैं वो क्यों करते हैं भाई, वो पागल हैं जो करते हैं? वो तो पागल हैं, नशा करते हैं यार। वैसे प्यार मुझे लग रहा है जैसे आप भी कुछ ना कुछ करते हैं माने ना। नहीं 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 करते हैं, ऐसे ना करें। नहीं नहीं ये देखिए आप बात छुपा रहे हैं। नहीं करता कोई नशा भी। अच्छा तो यार आप अब आप किया करें फिर, आप छोटे तो नहीं ना है, नशा कोई ना कोई तो करना चाहिए, बंदे की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। क्यों? कल से करूंगा यार। नहीं तो आप आज से ही करें यार, ये पैसे नहीं होंगे, आप गरीब तो मुझे शक्ल से पहले ही लग रहे थे हैं। मुझे नहीं हूँ मैं गरीब भाई, माशाल्लाह अच्छी खासी फैमिली से। अच्छा सर आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं माशाल्लाह 12 की है। नहीं मतलब किस में की है, साइंस में की है, आर्ट्स में? जी आर्ट्स में। आर्ट्स में की है माशाल्लाह। तो आजकल क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात यही पार्क में आगे बैठ जाना इस टाइम। तो सर आप यानी के वेले ही हैं, अजला से जो कहते हैं ना पंजाबी में, अजला से ही वेले वो हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं वालिद साहब वगैरह, मैं फारिग हूँ बहरहाल। अच्छा वालिद साहब यानी कि आप अपने बाप के पैसों पर याशी कर रहे हैं, तो ये सर कितनी देर आपकी याशी चलेगी? जब तक बाप चलेगा। नहीं यार ये इस तरह ये देखा अच्छी बात नहीं है, कैसा आपका नक्शा समझाने वाली सोटीर का मुंह है। काम किया करे अच्छे भले आप, आपको अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, पाँव दिए हैं यार, ये शर्म की बात है। आपको तो आप तो समुंदर में भी नहीं डूब के मर सकते माशाल्लाह, जितना आपका वेट है। समुंदर छोटा नहीं, समुंदर देखे ये शर्म की बात है यार। रखना गंदी चीज़ें नहीं रखते समुंदर। अच्छा यानी कि आप एक गंदे लोग हैं? अच्छे लोग हैं। तो आप सर हर आपकी तरह मैं भी मजाक, आप हर बात पे हंसना शुरू कर देते हैं। आप अलहमरा में पैदा हुए हैं? नहीं नहीं। तो आप हर बात पे, मैं आपसे एक सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी बातों में आसार है ना मुझे। अच्छा तो आप सर ये सामान किस चीज़ का आप साथ, ये वो निमको वगैरह तो नहीं आप इधर पार्ट टाइम सेल करते हैं? भाई मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह बस। अच्छा मोबाइल ये सेल करते हैं, शूट करने बस उनके साथ आ गया। अच्छा अच्छा तो ये शूट लफज आपको किसने सिखा दिए? बस वो लोग नाम ले रहे थे मुझे भी पता चल गया। अच्छा आपको भी तो लोग तो एक दूसरे को गालियाँ भी देते, आप क्यों नहीं? मैं याद करता हूँ। अच्छा वो भी याद करते, उसके अलावा कुछ नहीं याद करते यार? ये तमीज़ के लहजे में यार ये अच्छी बात नहीं है, कैसे यार आप जैसे कुत्ता दही भले खा रहा है, आपके ऐसे बाल हैं यकीन करें, कैसे है कहाँ से कटिंग करवाई, कौन सा आपने यार ये? नहीं यार इट इज़ अ डिस्कस्टिंग यार, कैसे यार ये? आई एम वेरी फंस जाएगी किसी दिन गले में इंग्लिश ना, इतनी इंग्लिश ना बोला। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार फॉर दैट। सही माशाल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा है इंग्लिश ना बोलो अड़ जाएगी आपके गले में। अच्छा अड़ जाएगी। तो सर कोई आप गाना वगैरह सुना सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? नहीं गाना तो नहीं आता। अच्छा आपको शर्म भी नहीं आती होगी फिर?
देखिए आप बात बात पे हंसते हैं क्या, आप मुझे मुझे आप एक क्या आपके क्या मामू अमानुल्लाह थे, आप इतने हर बात पे हंसना शुरू हो। बैठा हुआ था मैं, कॉल पे बात कर रहा था, जरा कॉल आई थी। आप आपको किसकी कॉल, आपको कंपनी के अलावा किसी की कॉल नहीं आ सकती जैसा आपका हुलिया। कंपनी के मैसेज आते हैं वो भी नहीं कॉल करते। अच्छा अच्छा कंपनी के, मैं आप भी मिस कॉल के अलावा किसी को कुछ नहीं करते हो। कुछ भी नहीं यार, ये फकीरी कब तक रहेगी। अब काम शाम के नाज़रीन ये हमारे दोस्त हैं नबील भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं ये भाई, हमारे काम शाम कुछ नहीं करते, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे काम करने की। तो भाई जान वो हाथ वाली जो गाड़ी बाहर वो आपकी खड़ी है जी, मैं लेके आया था अभी। अच्छा, ड्राइवर भी साथ, उसका लाइसेंस ड्राइवर भी है। अच्छा लाइसेंस भी है, लाइसेंस भी है जी भाई जान के पास, लाइसेंस है माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा। कूड़े वाली गाड़ी खड़ी है ना आगे, वो भी मेरी है। अच्छा कूड़े वाली गाड़ी बाहर, माशाल्लाह इनका अच्छा काम है नाजरीन। हम इंशाल्लाह अपने दूसरे दोस्तों के, अच्छा भाई जान अल्लाह हाफिज, दूसरे दोस्तों के पास चलते हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मीर हादी। मीर हादी, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद उमर, आप एक दूसरे के अलहदा अलहदा बैठे हैं क्या, मतलब किसी की जेब काट ली आपने क्या, क्या पकड़े गए, चोरी करते पकड़े गए आपने, एक मुँह बनाया हुआ है क्या, ये कैसे है? हम आपके जैसे बने नहीं सकते। अच्छा पहले तो ये बात है, मेरे जैसे बने भी ना, देखे मुझे इतनी खजल खवारी करनी पड़ती है कभी वहाँ कभी यहाँ, तो ये देखे ना आप क्या काम करते हैं मीर हादी साहब? मैं डॉन ब्रेड में होता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह डॉन ब्रेड में होते हैं, तो वो जो ब्रेड खराब निकलाती है वो आप अलग अलग करते हैं? नहीं वो आपके लिए रखी होती है। अच्छा अच्छा, मेरे तो साथ रस भी होते हैं, वो बाकर खानीज भी, बाकर खानीज का पता है आपको? जी नहीं। बाकर खानीज का नहीं पता, जो वो चाय में डालो तो वो फूल्स जाती है? नहीं सर, ये देखे ना मैं इतनी दूर से आपके इंटरव्यू करने हैं तो आप आगे से बुरे से दांत निकाल रहे हैं, ये कैसे है, ये कैसे? वो देखे भाईजान, वो भाईजान जाते हुए देखे आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप अच्छे भले खानदान के तो नहीं लगते खैर, लेकिन ये कैसे है यार, इनका आपको किसने एंट्रेंस दी अंदर की? बस दे ही देते हैं कोई ना कोई। अच्छा भाईजान आप भी तोतले हैं, आप बात नहीं कर रहे? नहीं आप करेंगे तो करें। या मैंने आपकी जुबान पे पाँव रख दिया, आप बोल नहीं रहे सर, आपने इतने अच्छे शाहरुख खान तेरे नाम वाले बाल रखे हैं जो एंड पे टिंड हो जाती है वो वाले, तो कारनामे भी हैं कि खाली बाल ही हैं? सारा कुछ है। अच्छा अच्छा, ये डेंटोनिक की मशहूरी में आए हैं जो दांत ही दिखाई जा रहे हैं सर, ये देखे मैं इतनी दूर से अच्छा भला इंसान आपके पास खड़ा। आप अस्सलाम वालेकुम भाई सर, क्या हाल है? ठीक है सर। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद यकूब। क्या करते हैं यकूब साहब आप? वेलियाँ। अच्छा वेलियाँ ही खा रहे हैं यार, ये देखे पाकिस्तान का हर नौजवान वेला है, ये कितनी देर तक खाएंगे सर, ये मिलती कहाँ से वेलियाँ, मुझे भी बताएं, मैं बड़ी बार गया हूँ वेली से, जाकर पूछ लो कहाँ से मिलती है यार। यकीन करो मैं ढूंढ ढूंढ के घर वेलियाँ था गया, वेलियाँ नहीं मुझे मिली, किस चीज़ का नाम है? बस ऐसे इंजॉयमेंट। अच्छा अच्छा इंजॉयमेंट। स्टडी वगैरह की है आपने? कहाँ तक की है? की है बस। अच्छा इंटर की है, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जजाए खैर था। तो ये अब किस हवाले से आप पार्क में आए हैं? बूंदी ये नाजरीन हमारे एक और बूंद भाई मिल गए हैं हमें, तो माशाल्लाह। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, जो मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक्य हो तो ज़रा देख सोच के कीजिएगा, वो बड़ी लाशें डाल रहे हैं, तेरे नाम उन्होंने लिखा हुआ है पांजे पे, तो ज़रा बच बचा के, तो ये ना हो के फिर बाद में देखे। वैसे भी आप माशाल्लाह मुझे बिल्डर टाइप है तो नहीं वैसे, लेकिन बिल्डर टाइप लग रहे हैं बस। तो खुराक कोई हमारे ऑडियंस को आप बता दे कोई फिट रहने के लिए कोई नुस्खा? बस यही एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और कोई स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी हो? बैडमिंटन में है मेरी दिलचस्पी। बैडमिंटन में चलें, अल्लाह आप अप्लाई करते रिया करें कोई ना कोई, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से खेलता रहा हूं। अच्छा माशाल्लाह, देखे हमारे भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के निकल आए हैं स्टूडेंट, चलें। बहुत शुक्रिया सर यकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू नाज़रीन वेरी मच। तो आप आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगला इंटरव्यू हम कल करेंगे, अल्लाह हाफिज़। ओके।